गर्मी से भरा जून का ये महीना बस अभी खत्म ही हुआ था, जुलाई माह शुरू हो चुका था। थोड़ी सी ठंड और कुछ बारिश की फुहार को पाने के लिए हम पहाड़ों की तरफ निकल पड़े, इस बार उत्तराखंड मुक्तेश्वर की तरफ। इवॉन रिजॉर्ट थानाचुली जो कि मुक्तेश्वर में है और ये उत्तराखंड क्षेत्र में आता है। नोएडा से थानाचुली आने में हमें 7 घंटे का अप्रोक्स समय लगा था। यह एक छोटा रिजॉर्ट है या कह सकते हैं एक होमस्टे है। यहाँ पहुँचने के बाद मेन रोड से कुछ मीटर की दूरी आपको ट्रैकिंग करके तय करनी पड़ेगी। ट्रैकिंग बहुत आसान और एनर्जेटिक भी था। ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको कुछ छोटे खेत, कुछ फलों के बागान, बगीचे और कुछ फूल पत्तियों से मुलाकात करनी पड़ेगी और इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। आपको टेंट वाले रूम मिलेंगे और सूरज जी जो हमारी हेल्प कर रहे थे उन्होंने हमें हमारे रूम में पहुंचने में बहुत मदद करी। रूम साइज अच्छे थे, यहाँ टोटल 4 रूम हैं। रूम के अंदर सब मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल थी, फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। रूम में आने के बाद सूरज जी ने हमें गर्मा गर्म चाय भी पिलाई और इस जगह बैठकर रिलैक्स मूड में सुर तो निकलेगा ही, ये आप सामने देख के समझ सकते हैं। आया गाना था करो मुझे याद नहीं। सरगोशियां समथिंग मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई मेरी जाने जा मैं तेरी रागिनी छेड़ दो तुम आज कोई प्यार किया ये खुला आसमां आ गए हम और ये हमारा छोटा मिनी रिजॉर्ट सेब और नाशपाती के फलों से भरा पड़ा था। पेड़ लदे हुए थे छोटे छोटे फ्रेश फूल और फलों से। अगर आपको प्रकृति से थोड़ा भी प्यार है तो आप यहाँ के खो जाएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा रूम में रहने का। हमने सुबह और शाम तो इन्हीं बगीचों और इनकी सीढ़ियों पे बिता दिया। चलो चीयर्स करना चाहिए, चीयर्स। और अगले ही दिन मेरी आंख 5 बजे खुल गई और मैं नेचर वॉक के लिए निकल पड़ी। कभी मैं पत्तियों को छू रही थी, कभी मैं फूलों को निहार रही थी। कभी चिड़ियों की चहचहाहट मेरे कानों में मधुर ध्वनि भेज रही थी। कभी बादल सूरज को ढक रहे थे, कभी और फ्रेश फूलों की खुशबू की ताजगी पूरे वातावरण को महका रही। बहुत ही रिफ्रेशिंग मोमेंट, बहुत ही ताजगी भरा माहौल था। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई करीब 1 घंटा और मुझे समय का पता ही नहीं चला। सामने दूर पहाड़ पे चरवाहे अपने गाय बछड़ों को बकरियों को चारा चराने भी आते हैं। दूर कहीं किसी घर में चूल्हा जल रहा है, सुबह की चाय शायद बन रही थी।
और अगर आप थोड़ी देर अपने में होना चाहते हैं तो वो पीस आपको यहाँ मिल जाएगा। जो सेब है ये किस रिजॉर्ट का है? मुक्तेश्वर। आपका इसका नाम क्या है जहाँ आप खड़े हो? द फॉलिस रिसॉर्ट। और आपका नाम? मेरा नाम सूरज। और ये सेब किसके लिए तोड़ रहे हो? आपके लिए। भैया अब हमें दे दो या सूरज भैया ये मीठा होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत यादों के साथ हम निकल पड़े दूसरे सफर की तरफ। ये मेरा नैनीताल उत्तराखंड मुक्तेश्वर का पार्ट वन एपिसोड है, आप पार्ट टू जरूर देखें। हमने यहाँ करीब एक दिन पूरा स्पेंड किया, काफी अच्छा यादगार समय था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रिफ्रेशिंग। आप यहाँ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर आए। राहें अजनबी सी हम सफर जो तुम बन जाओ, पल बीत जाए जो पल भर में और सफर हसीन हो जाए। राहें अजनबी सी हम सफर जो तुम बन जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, फिर मिलते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नैनीताल में।